हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरी किचन में। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा और पौष्टिक नाश्ता बनाने का तरीका बताऊंगी। अगर आप इस तरह से पौष्टिक नाश्ता घर पर बनाएंगे तो आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे और ये नाश्ता बहुत ही जल्दी और एकदम फटाफट बन जाता है। तो चलिए, इस नाश्ते को हम कैसे बनाएंगे ये मैं आपको इसका तरीका बताऊँगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है। बेसन मैंने एक छोटी कटोरी के करीब लिया है और ये एक मैंने छोटे साइज का प्याज को बारीक काट लिया है। दो इसमें मैंने हरी मिर्च काटी हैं और इस बेसन में ही हम ये सब चीज़ें डाल देंगे। ये मैंने थोड़ा सा नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग। एक चम्मच मैंने धनिया का पाउडर डाला है और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है। इनको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका घोल तैयार कर लेंगे। एकदम हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अगर हम एक बार ही ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमारा जो ये घोल है ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। आप देख रहे हैं इतनी हमें इसको कंसिस्टेंसी में रखना है। तो थोड़ी देर के लिए इसको ढक करके छोड़ देते हैं और थोड़ी बाद के इसको फिर हम एक बार अच्छे से फेंट लेते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइट लग रहा था मुझे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया। अच्छे से इसको मिला लेंगे। ये मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। जितने अच्छे से हम इसको फेंटेंगे हमारा जो पराठा बनेगा बहुत ही अच्छा बनेगा और तवे पर चिपकेगा भी नहीं। तो ये मैं बड़े चम्मच से अच्छे से इसको फेंट लिया है और इस तरह से हमें इतना ही इसको गाढ़ा रखना है। न इससे ज़्यादा हमें गाढ़ा रखना है और न इससे ज़्यादा हमें पतला रखना है। तो मैंने गैस पर तवा रख दिया है, तवे पर मैंने पानी की छींटे मारी है। ऐसा करने से फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारा जो तवा है, तवे पर ये जो पराठा बनाएंगे ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। थोड़ा सा मैंने इस पर तेल के भी छींटे मारे हैं और थोड़े से पानी के छींटे मार करके सूती कपड़े से तवे को मैंने पोंछ लिया है। और अब हम तवे पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे। ये मैंने तवे पर थोड़ा सा तेल लगा लिया है और अब मैं इस पर ये मिक्सचर डाल रही हूँ। तो ऐसे हम थोड़ा सा मिक्सचर इसमें डाल करके इसको चम्मच से ऐसे अच्छे से फैला लेंगे। इसको थोड़ा सा पतला पतला फैलाना है जिससे कि हमारा पराठा बिल्कुल पतला बनेगा। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर ही हमें ये चीला बनाना है। ये बेसन का चीला भी कह सकते हैं आप इसको, इसको बेसन का पराठा भी कह सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है और ये बहुत ही आसानी से पलटा जा रहा है। और अब हम इस पर इसके किनारों पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे। इस तरह से अगर आप पराठा बनाएंगे बहुत ही अच्छा बनेगा और ये पराठा बहुत ज़्यादा पौष्टिक है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इस पराठे को खाने से हमारा पेट का जो हाजमा है वो बिल्कुल ठीक रहता है और डायबिटीज वालों के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद पराठा बनता है। तो आप अपने नाश्ते में इस तरह का ये बेसन का पराठा ज़रूर शामिल करें। ये पराठा आपको बहुत सी बीमारियों से बचाए रखेगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट भी लगेगा। तो इस तरह से ही बेसन के और भी पराठे आप झटपट घर पर बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी ये बेसन का पराठा बनके तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको हमारी ये बेसन के पराठे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।